हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेतर एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं जीरो को लेकर, यानी जीरो से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो भी जितने भी चीजें होती है जीरो से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। पूरे बेसिक के साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको भी जीरो से डर लगता है तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा डर खत्म हो जाने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है जीरो से मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि a इंटू जीरो, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, a का मतलब ये है कि कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो a से अगर हम मल्टीप्लाई करें जीरो को तो आंसर क्या होगा, जीरो। ओके, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर कि टू इंटू जीरो इक्वल टू, आंसर में क्या होगा, जीरो होगा। या फिर मैं लिखूं जीरो इंटू सिक्स, आंसर क्या होगा, जीरो होगा। दोस्तों आप जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले, आंसर हमेशा जीरो आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखिए टू इंटू जीरो इंटू फोर, तो यहाँ पर भी आंसर देखते हम क्या आएगा, जैसे हम टू का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो आंसर जीरो आ जाएगा, फिर हम जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे फोर से तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो दोस्तों आप ये चीज को हमेशा याद रखो कि अगर जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो वो आंसर जीरो में ही आने वाला है। ओके, फैक्ट नंबर दो के अगर जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड अगर हम करें जीरो को, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम जीरो को ए से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ भी आंसर जीरो ही होने वाला है, यानी अगर ऊपर जीरो है और हम उसे किसी भी नंबर से या किसी भी वेरिएबल से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या होने वाला है, जीरो ही आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे हम जीरो अपॉन टू, तो इसका आंसर भी दोस्तों क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। ओके, तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे जीरो अपॉन 109, आंसर क्या हुआ, जीरो। जीरो अपॉन 999, यहाँ भी आंसर क्या हुआ, जीरो हुआ। यानी अगर ऊपर, यानी न्यूमरेटर में ऊपर वाला नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में जीरो है और डिनोमिनेटर में समथिंग कोई भी नंबर है, यानी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, तो दोस्तों आंसर हमेशा क्या आने वाला है, इसका भी जीरो आने वाला है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि अगर अपॉन में जीरो आया, यानी डिनोमिनेटर में जीरो है, तो फिर आंसर क्या लिखना है। जैसे कि a अपॉन जीरो है ना, a अपॉन जीरो अगर आता है तो दोस्तों इसका आंसर हमेशा इंफिनिटी रहेगा। ओके, इंफिनिटी यानी हम जिसको बता नहीं सकते, जीरो एक ऐसी वैल्यू है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम अगर किसी नंबर को उससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, हम ये बता नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए हमको क्या लिखना होता है, इनफिनिटी लिखना होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं टू अपॉन जीरो, अगर यहाँ पर भी अपॉन में जीरो है तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, इनफिनिटी आएगा। अगर मैं लिखूं हंड्रेड अपॉन जीरो, तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, इनफिनिटी आने वाला है। तो दोस्तों ये है कुछ जीरो के फैक्ट। एक लास्ट फैक्ट देखेंगे हम कि अगर किसी भी नंबर की पावर में अगर जीरो आता है, जैसे ए पावर जीरो, यानी देखते हैं हम अक्सर के ए की पावर में या कोई भी नंबर की पावर में जीरो आता है, तो इसका आंसर हमेशा आपको क्या लिखना है, वन लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल टू की पावर जीरो आ गया, तो यहाँ भी आंसर क्या आने वाला है, वन आने वाला है। मैं लिखूं अगर टेन की पावर जीरो, आंसर क्या आएगा, वन। 99 की पावर जीरो, आंसर क्या आएगा, वन। तो दोस्तों ये चीज को आपको समझना है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा टेन और यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल होता है डिग्री का, तो इसमें और जीरो में डिफरेंस होता है ना, ये बहुत छोटा बना हुआ होता है और ये थोड़ा बड़ा होता है, तो ये चीज को भी समझना है, वरना जहाँ डिग्री है उसको भी वन कर देंगे, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये चीज को आप समझ गए होंगे, बहुत बेसिक वीडियो था आज का, हमने जीरो के, जीरो से रिलेटेड जितनी चीजें थी आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।